प्रदीप गुप्ता जी की एंट्री जरा अपने स्टूडियो में करवा लेते हैं। प्रदीप जी गर्म पानी पी रहे हैं और देखिए नंबर्स ने उनको पानी पिला दिया। ही इज अ बिजी मैन टुडे। प्रदीप जी की हर जगह डिमांड है। और प्रदीप जी ने खास फरमाइश आपका... की है वैसे प्रदीप जी से। प्रदीप जी इस बार 4 जून को अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपकी जो अब एक फेवरेट डांस स्टेप आपका है वो आपको हमें करके दिखाना होगा आज तक पर। चलिए अच्छा हुआ आप आगे सर पंजाब पे बात करते हैं। पंजाब के ये नंबर्स जरा बताइए कि किसके हैं ये नंबर्स। पंजाब में दिक्कत ये है कि 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। और वहाँ 4 के अलावा भी रीजनल 5वीं 6ठी पार्टी भी होती है। 4 का मतलब हुआ कि यदि 4 पार्टी में जनरली 10% वोट तो दीगर के लिए इंडिपेंडेंट के लिए छोड़ दिए, अब 90 वोट में से 4 में बटेगा 20-20%, यानी आप 24% वोट के ऊपर जीत जाएंगे। तो भी बीजेपी ने 33% ले लिया। बीजेपी ने अच्छी खासी इनरोड्स किए। पहले केवल 2 सीटों पे ही लड़ते थे, 3 सीटों पे लड़ते थे, इस बार पूरी की पूरी सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। 1-2 सीटों के ऊपर रीजनल पार्टी को भी उन्होंने वो चांस दिया है और इसके चलते आप ये देख पा रहे हैं कि जो वोट शेयर है वो बीजेपी का अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बात पंजाब के संदर्भ में कही जाती है, पंजाब हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता लेके आता है। एक सेकंड मुझे पंजाब का नंबर समझाइए, एक बार पंजाब के नंबर्स दिखाइए आप फटाफट। पंजाब के ये नंबर्स, ये 2 से 4 जा रहा है बीजेपी को, तो क्या हम माने कि वही जो 2 की उनकी परफॉर्मेंस थी पिछली बार वही रिपीट हो रही है जी। कांग्रेस को 7 से 9 यानी वही 8 के आसपास है। 2 से 3 श्रोमणी अकाली दल को, मैं अगर सही हूँ 2 ही सीटें उनकी पिछली बार आई थी अकाली की, 2 सीटें आई थी तो वो भी स्टेटस को रह गया। आम आदमी पार्टी 0 से 2, ये आप क्या कह रहे हैं? पिछली बार 1 सीट उनकी आई, वही संगरूर आई थी और इस बार उनके संगरूर में ही जीतने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, अकाली दल की बात कर लूं तो खंडूर साहब में अच्छा कर रहे हैं, भटिंडा उनकी ट्रेडिशनल घर की सीट है उसके ऊपर अच्छा कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल जहां से रहते हैं, हरसिमरत कौर बादल रहती है भटिंडा से। और कांग्रेस पार्टी जो है वही पुरानी 8 सीटों के ऊपर अच्छे से काम कर रही है। इस बार अनंतपुर साहिब से जरूर, पिछली बार मनीष तिवारी कांग्रेस से जीते थे जो इस बार चंडीगढ़ चले गए। हाँ। तो वहां पर जो है वो बीजेपी और अकाली दल अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये दिलचस्प है, लेकिन ये जो वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, लगभग 4 बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी की है सुधीर जी, प्रदीप जी, तो क्या हमारे कि उसका पीएम का नहीं, वो आप ये देखिए ना, मैं वापस वही तो आपको बता रहा हूँ कि जब आप केवल 13 में से 3 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो वोट शेयर तो इतना कम आएगा ना, जब आप 13 की 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो वोट शेयर तो कुछ अलग ही 3-4 फोल्ड तो हो ही जाएगा। एक सवाल मेरा दिल्ली पर भी आपसे है कि दिल्ली की वो कौन सी सीट है जी जो आपको फिसलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने 6-7 दिया है। अगर 6 होता है दिल्ली का नंबर तो वो कौन सी सीट? वो है चांदनी चौक की सीट। चांदनी चौक की सीट में बड़ी संख्या में माइनॉरिटी है और जब आम आदमी पार्टी जहां से वो जयप्रकाश अग्रवाल जेपी अग्रवाल लड़ रहे तो वो सीट के ऊपर अच्छी फाइट है। डॉक्टर हर्षवर्धन की एक वक्त पे सीट थी, बिल्कुल सही कहा, और इस बार प्रदीप खंडेलवाल को ये सीट मिली, बिल्कुल, तो 7 की 7 ही मिलती दिख रही है इसलिए हमने 0 से 7 कहा। और एक सीट जिसके ऊपर अच्छी फाइट है वो चांदनी चौक। तो अंजना खबर इसमें से क्या निकल रही है वो ये है कि कन्हैया कुमार हार रहे हैं। नहीं, हार जीत का देखिए सुधीर जी, नाम से तो मैं नहीं कह सकता, अनुमान ही कह सकते हैं कि आज की डेट में 6 की 6 सीटों पर बीजेपी अच्छी पोजीशन में है, बाकी सिर्फ चांदनी चौक में कांटे की टक्कर।